हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम जो है सो लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे एक्सरसाइज 8.1, और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी का। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो कोण सी बराबर, यहाँ पे हम कह सकते हैं कोण ए कोण बी दोनों न्यून कोण है, तो कोण सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये वाला मेरा गिवन है। कॉस होता है बी बाई एच, तो यहाँ से बी बाई एच हम लिख दिए, बी बाई एच बराबर है बी बाई एच के। बी है यहाँ पे कॉस ए के कंडीशन में, ये वाला एंगल हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हो गया। तो ये मेरा बी होता है, ए सी हो गया मेरा बी, और एच हो गया मेरा ए बी, ए सी बाई ए बी। उसके बाद कॉस बी में हो गया, ये वाला एंगल हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा बी, तो ये मेरा हो जाएगा बी सी बाई ए बी। यहाँ से मेरा हो गया, और यहाँ से फिर मेरा ए बी और ए बी जो है सो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बच गया ए सी बराबर बी सी, यानी कि एंगल ए सी जो है बी सी के बराबर है। ये दोनों जो है सो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए जो है सो कोण बी का बराबर होगा। इस तरह से जो है सो प्रूफ यहाँ पे हम जो है सो यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं, ये मेरा हो गया प्रूफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो क्या ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा माइनस सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पे है इंटू में 1 माइनस cos थीटा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है सो मेरा गिवन है cot थीटा बराबर 7/8, बी बराबर यहाँ पे ये होता है पी बाई, ये होता है बी बाई पी, तो बी बराबर यहाँ पे 7, पी बराबर यहाँ पे 8, एच यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। एच मेरा निकल के आ गया अंडर रूट 113, यहाँ से हमको निकल के आ गया एच। उसके बाद ये वाला हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो ये मेरा प्राप्त हो जाएगा 49/64, ये मेरा यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था, तो 7/8 है कॉट थीटा का वैल्यू, इसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे, तो ये मेरा प्राप्त हो जाएगा 49/64। यहाँ से जो है सो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा हमारा प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर, वो है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस बराबर जो है सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज़ जो है सो यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, ये वाला। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, यहाँ से कॉट ए बराबर 4 3 हो गया, यहाँ से कॉट जो होता है वो होता है बी बाई पी, मेरा बी हो गया 4, पी हो गया 3, और एच हम निकाल लेंगे जो कि मेरा 5 आ जाएगा। उसके बाद हम एल एच एस ले लेंगे यहाँ पे, एल एच एस क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये वाला है। तो यहाँ पे 1 माइनस टेन का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बाई 4 का स्क्वायर, और 1 प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में जो है सो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। सोल्व करने के बाद ये हमको प्राप्त हो गया 7/25, और हमारा एल एच एस जो है सो सोल्व करके आ गया 7/25। उसके बाद आर एच एस को सोल्व करेंगे, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर एच एस में है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 16/25 माइनस 9/25, और मेरा जो है सो यहाँ पे सेम रह जाएगा 25 ही, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये मेरा दोनों एल एच एस और आर एच एस जो है सो इक्वल हो गया, तो प्रूव हो गया कि दोनों जो है सो दोनों साइड से जो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। इस तरह से जो है सो इसका आंसर इस तरह से इसको प्रूव कर दिए। नेक्स्ट 9 नंबर, यदि टेन ए बराबर 1/√3 है, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी निकालना है, और सेकंड जो है सो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी निकालना है। तो यहाँ पे जो है सो एक हम यहाँ पे एंगल बनाए हुए हैं, ए बी सी एंगल है, और मेरा गिवन है यहाँ पे टेन ए 1/√3, जो कि होता है टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, और ए वाला एंगल है, तो मेरा पी ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला एच हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बी का, मेरा बी दिया हुआ है √3, ये मेरा पी है 1 हो जाएगा, और ये हो गया मेरा √3 हो गया। उसके बाद पी बराबर 1, बी बराबर √3, एच बराबर जो है सो 2 आ गया, सोल्व करके यहाँ से,
और पहला हम एक क्वेश्चन यहाँ पे है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पर अच्छे से जो है इसका वैल्यू हमको पुट करना है, एंगल का ध्यान रखना है कि कब एक एंगल कब थीटा जो है ए हो रहा है कब सी हो रहा है, इसका ध्यान रख करके इसको जो है सो सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा इसका आंसर जो है सो यहाँ पे 1 देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसको भी वही यहाँ पे सावधानी रखना है और जो है सो अच्छे से इसका वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर हमको 0 प्राप्त होगा। ये नंबर क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका जिसका एंगल क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमको जो है सो तीनों का मान ज्ञात करना है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पी क्यू 5 सेंटीमीटर रख देंगे। क्यू आर और पी आर जो है सो दोनों 25 है तो हम इसको एक को एक्स मान लेंगे और इसको 25 माइनस एक्स रख दिए। उसके बाद इस तरह से इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स हो गया 12 जो कि पी हो जाएगा 12। उसके बाद 25 माइनस एक्स ये 13 हो जाएगा, ये हमारा एच निकल के आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे साइन पी मेरा निकल के यहाँ पे आ रहा है 12/13 और कॉस पी आ गया 5/13, एन पी निकल के आया 12/5। और 11 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है कथन सत्य है या असत्य बताइए। पहला है टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, नहीं यह सत्य है क्योंकि टेन 60 का मान होता है √3 जो एक से अधिक है, इसलिए ये जो है सो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये सत्य है, हाँ बिल्कुल सत्य है क्योंकि जो है सो सेक ए का वैल्यू एक के बराबर भी होता है, एक के एक से जो है सो बड़ा भी हो सकता है, तो ये जो है सो करेक्ट है। थर्ड कॉस ए इंटू कॉस ए जो है सो कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं ये जो है सो संक्षिप्त रूप जो है सो कॉस का जो है सो कोसेंट नहीं होगा। क्या होता है कॉस का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है कोसाइन, तो ये भी जो है सो असत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर फोर्थ नंबर कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं बिल्कुल गुणनफल नहीं होता है, ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, ये सब पूछ रहा है, ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा सत्य है क्योंकि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो -1 से लेकर +1 तक जो है सो एक्सटेंड करता है, -1 to +1 तक जो है सो साइन थीटा का वैल्यू जो है सो एक्सटेंड करता है, उससे बाहर जो है सो नहीं हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सो हमारा रॉन्ग हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, ये जो चैप्टर नंबर 8.1 है उसको जो है सो हम आज समाप्त कर दिए हैं, कल से जो है सो हम 8.2 में जो है सो इंटर कर जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।